to talk about transportation in plants. Last video में हमने discuss करा था nutrition के बारे में, अब हम discuss करेंगे transportation in plants के बारे में. सबसे पहले ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? तो ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है इट मींस कैरी समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. मतलब आपको कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करनी है तो हम उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट करना. और अगर मैं नॉर्मल लाइफ की बात करूँ तो हम ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं? अपनी चीज़ों का, सामान का व्हीकल्स के थ्रू करते हैं. किसके थ्रू करते हैं? व्हीकल्स के थ्रू, राइट? अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की, दैट मीन्स प्लांट में कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो हमको ट्रांसपोर्ट करने हैं. हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था वो सारे मटेरियल के बारे में, जैसे आपका वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, फूड हो गया, किस तरीके से वो प्लांट में ट्रांसपोर्ट होंगे. तो यही सब चीज़ हम आज पढ़ने वाले हैं. अब उससे पहले हम एक स्लाइड देखते हैं. ये देखो, इसमें आपको दिख रहा है एक छोटा सा प्लांट है और एक बड़ा प्लांट है या एक बड़ा ट्री है. सपोज करते हैं कि ये जो स्मॉल प्लांट है ये छोटा सा बच्चा है ह्यूमन का, और ये ट्री जो है उसे आप एडल्ट कह लो या टीनेजर कह लो. अब हम बात करते हैं स्मॉल बेबी की. स्मॉल बेबी की बात करें तो क्या होता है, आपने कभी देखा होगा कि छोटा बच्चा जो होता है वो बहुत थोड़े से अमाउंट में फूड इंटेक करता है और बहुत एनर्जी आ जाती है उसमें, ठीक है ना. वो बहुत थोड़े से अमाउंट में फूड खाता है और वो उसका पेट भर जाता है और वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है. लेकिन अगर हम एडल्ट की बात करें तो साइज़ भी बड़ा है और हमें फूड की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है. हमें न्यूट्रिएंट्स की भी उतनी ही ज़रूरत होती है और एनर्जी की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है. ज़्यादा अमाउंट में हमको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या ज़्यादा अमाउंट में हमको फूड रिक्वायर्ड होता है. तो सिमिलरली हम प्लांट्स की बात करें तो ये क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस प्लांट और ये लॉन्ग डिस्टेंस प्लांट. आपको दो प्लांट दिख रहे हैं इसके अंदर, एक छोटा प्लांट है और एक बड़ा प्लांट है. तो अब इसका मतलब है सॉइल से लीफ का डिस्टेंस अगर वो कम है तो हमारी एनर्जी भी इजीली अवेलेबल होगी. किसके अंदर? शॉर्ट डिस्टेंस प्लांट के अंदर. और हमें रॉ मटेरियल भी इजीली अवेलेबल होगा. क्लियर? और अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें तो लॉन्ग डिस्टेंस मींस सॉइल से लीफ का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा. अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रॉ मटेरियल की ज़्यादा ज़रूरत होगी, वहाँ पर एनर्जी की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी, हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट लगेगी वहाँ पर एनर्जी की. तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस प्लांट और लॉन्ग डिस्टेंस प्लांट को. अब हम बात करेंगे कि हमें जो मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट करने हैं तो वो किसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट होंगे, क्या प्रोसेस है प्लांट के, क्या ऑर्गन है या क्या मैकेनिज्म है जिसके थ्रू सारे मटेरियल ट्रांसपोर्ट होंगे. सबसे पहले तो हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट करना क्या है और किसकी हेल्प से होगा. स्लाइड देखने से पहले आप सबसे पहले ऐसा री डायग्राम बना लो इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ट्रांसपोर्ट हमको क्या करना है, वाटर, मिनरल्स एंड फूड. अब आपकी ये दो चीज़ें कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? जाइलम. कौन करेगा? जाइलम. और आपका जो फूड है वो कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? फ्लोएम. आ रही आपको बात समझ में? आपका वाटर और मिनरल्स जाइलम की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होगा और आपका जो फूड है वो फ्लोएम की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होगा. अभी आपको स्लाइड दिख रही है, इसमें आपको जाइलम फ्लोएम दोनों दिख रहे होंगे, ठीक है. ये दो चीज़ें आपके पास है जिसके थ्रू वाटर, मिनरल्स और फूड, ये सारे मटेरियल प्लांट में ट्रांसपोर्ट होते हैं. अब डिस्कस करते हैं जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है. एक बार देख लेते हैं जाइलम का मैं आपको क्रॉस. अब देखो, ये जाइलम वेसल का एक क्रॉस सेक्शन है. अगर जाइलम की बात करें तो ये प्लांट का एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लिया है, उसमें ये जाइलम दिख रहा है, ये जाइलम है, ठीक है. अब जाइलम क्या होता है? वन ऑफ ऑल जाइलम दे आर नॉन लिविंग. अब जाइलम जो है दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोस एंड लिग्निन. अब सेलुलोस क्या होता है? सेलुलोस सॉफ्ट मटेरियल होता है जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सॉफ्ट होता है. लेकिन जो आपका लिग्निन होता है वो सॉलिड सब्सटेंस होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है, विच एक्चुअली गिव द स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट, जिससे प्लांट आपका सीधा खड़ा रहता है. अब अगर मैं और बात करूँ तो इसकी थिक वॉल्ड होती है क्योंकि जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है. तो ये हमेशा अपवर्ड मूवमेंट होता है. हमेशा जो जाइलम का जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है? अपवर्ड मूवमेंट होता है. मींस जितने भी वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं
आपके प्लांट के अंदर वो बॉटम टू टॉप होगा, कभी भी टॉप टू बॉटम नहीं होगा, क्योंकि आप नॉर्मली भी देखो तो सॉइल में पानी होता है, सॉइल में मिनरल्स होते हैं बहुत सारे, तो वो रूट्स और लीव्स तक उनको लेकर जाते हैं। अब और जाइलम की बात करें, इट कैरीज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द रूट एंड लीव्स, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग अ प्लांट हाइड्रेट। आया आपको बात समझ में? जाइलम का काम है कि वो हमेशा प्लांट को हाइड्रेट करके रखता है और अपवर्ड मूवमेंट में रहता है या अपवर्ड मूवमेंट में वर्क करता है। अब हम फ्लोएम की बात करते हैं। अब ये फ्लोएम का स्ट्रक्चर है, ये लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको फ्लोएम का। अब ये कैसे वर्क करता है, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो सीव ट्यूब प्लेट, ये दिख रही है आपको सीव ट्यूब प्लेट है, ये जो होल है वो एक्चुअली में फूड ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, जो बेसिकली इट ट्रांसपोर्ट द फूड मटेरियल्स फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट। और फ्लोएम जो है वो पूरी प्लांट बॉडी में हर जगह मिलता है। सो बेसिकली क्या बोल सकते हैं हम इसको, फ्लोएम इट इज़ स्प्रेड ऑल ओवर द प्लांट बॉडी। अब बात हुई जाइलम और फ्लोएम की, मींस प्लांट के अंदर जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है वो जाइलम करता है और फ्लोएम करता है। अच्छा, एक चीज़ और, जाइलम में हमने बात की थी अपवर्ड मूवमेंट की, पर फ्लोएम में बहुत तरीके से होता है, अपवर्ड भी होता है और डाउनवर्ड भी होता है, क्योंकि जाइलम के केस में हमें सिर्फ वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना था जो अप में होता है, अपवर्ड में होता है और सॉइल में प्रेजेंट है। फ्लोएम दोनों में करता है क्योंकि फूड पूरी बॉडी को चाहिए होता है। अब फूड जो बना है उसका मैकेनिज्म हम आगे पढ़ेंगे कि वो लीव्स के थ्रू कैसे पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी में जाता है, मैकेनिज्म फॉर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स आर। सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर्स एंड मिनरल्स की, तो आपका वाटर और मिनरल्स का जो मैकेनिज्म है वो टू टाइप्स का है, डिफ्यूजन एंड ट्रांसपिरेशन, और फूड का क्या है, ऑस्मोसिस एंड ट्रांसलोकेशन। नाउ वी डिस्कस इन डिटेल्स ऑल द मैकेनिज्म्स वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मैकेनिज्म। सो वॉट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है? Diffusion is the process of movement of molecules from higher concentration to the lower concentration. अब मैं आपको एक example देती हूँ। Suppose आपने room में एक corner में DO या spray करा room के अंदर, अब DO के particles हैं वो कुछ time के लिए उसी position में होंगे जहाँ पर आपने spray किया corner में, room के corner में, उसकी फ्रेग्रेंस भी वहीं पे होगी। आफ्टर 5 मिनट्स आप जब देखोगे तो आप देखोगे कि उसकी फ्रेग्रेंस पूरे रूम में स्प्रे हो गई या फैल गई है। प्लांट्स में भी यही होता है, वाटर और मिनरल्स सॉइल से लीव्स और रूट में जाते हैं, ये डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। मैं आपको स्लाइड दिखाती हूँ, इस वीडियो में आपको दिख रहा है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि हमने रूम के कॉर्नर में परफ्यूम या डीओ को स्प्रे किया, थोड़ी देर तक वो जो फ्रेग्रेंस है वो वहीं पर आपको फील होगी उसी कॉर्नर में, पूरे रूम में नहीं फील होगी, लेकिन आफ्टर 5 मिनट्स बाद आप जब उस रूम में जाओगे तो आपके पूरे रूम में उसकी फ्रेग्रेंस फील होगी, आप सेंस कर सकते हो। तो वो क्या हुआ, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये होता है डिफ्यूजन प्रोसेस, आपको दिख रहा है, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अब आपकी नेक्स्ट प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन, इट इज़ द वाटर मॉलिक्यूल, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू द प्लांट एंड इट इवेपोरेट फ्रॉम रूट लीव्स एंड प्लांट्स। हमने लास्ट वीडियो में न्यूट्रिशन की बात की थी, उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा था, अगर याद नहीं हो तो दोबारा से वीडियो को देख लो। उसमें क्या था कि प्लांट्स को जितनी भी ज़रूरत होती है वाटर की, जितनी भी नीड होती है वो रूट्स और लीफ में कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन बाकी का जो रिमेनिंग वाटर हुआ वो ट्रांसपिरेशन की हेल्प से इवेपोरेट हो जाता है, सारा का सारा पानी लॉस्ट हो जाता है। सो प्लांट्स को जितना भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उतना कंज्यूम कर लेते हैं, बाकी का रिमेनिंग होता है वो लॉस्ट हो जाता है थ्रू इवेपोरेशन। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन।
अब आपके जाइलम मिनरल्स और वाटर के केस में दो मैकेनिज्म थे, दैट इज फर्स्ट इज डिफ्यूजन एंड सेकेंड इज ट्रांसपीरेशन। अब हमारी थर्ड प्रोसेस है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। अब फूड मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो आपको पता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड बोथ डायरेक्शन में होता है। सो बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट या ट्रांसलोकेट ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। अब लास्ट वीडियो में हमने ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा है, जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करते हैं। अब उसको जो फूड की रिक्वायरमेंट होती है वो एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट वो कंज्यूम कर लेता है। अब वो प्लांट के पार्ट है जो सनलाइट की प्रेजेंस में है, उन्होंने तो अपना फूड कर लिया प्रिपेयर, कार्बोहाइड्रेट बना लिया, लेकिन जो नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट होते हैं प्लांट के, उनको भी तो फूड की ज़रूरत हुई ना, तो वो एक्चुअली में उनके थ्रू ट्रांसफ़र होता है फोटोसिंथेटिक पार्ट के थ्रू नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट में ट्रांसफ़र होता है फूड का। अब ये क्या होता है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम द सोर्सेस। सोर्सेस का मतलब क्या होता है, जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, टू द सिंक। सिंक का मतलब होता है जहाँ पर एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है। सो इट इज़ द होल प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन, मतलब एक जगह से ट्रांसफ़र करना दूसरी जगह ट्रांसलोकेशन कहलाता है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ट्रांसफ़र करना। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, या नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या होती है, यहाँ पर आपको ऑस्मोसिस का डायग्राम दिख रहा है। अब ऑस्मोसिस प्रोसेस होती क्या है, अब ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में एक डिफरेंस है। जैसे डिफ्यूजन में क्या था, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हमने क्या देखा था, वहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा था मॉलिक्यूल्स का वो हायर से लोअर में हो रहा था, लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन। इस तरीके से मूवमेंट होता है किसके अंदर, ऑस्मोसिस के अंदर। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि ऑस्मोसिस क्या करते हैं। सबसे पहले ऑस्मोसिस का काम ये होता है कि वो प्लांट बॉडी के अंदर बैलेंस बनाकर रखते हैं। क्या करते हैं, वो प्लांट बॉडी के अंदर बैलेंस को बनाकर रखते हैं। तो वो बैलेंस कैसे बनाता है, सपोज़ आपने वाटर बलून को लिया, ठीक है, आप ऊपर से स्क्वीज़ करोगे तो जितना भी अमाउंट में वाटर है वो सारा का सारा नीचे आ जाएगा, और अगर वाटर बलून को नीचे से स्क्वीज़ करते हो तो जो जितना भी अमाउंट में वाटर है वो सारा का सारा ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर आप उस वाटर बलून को सेंटर से स्क्वीज़ करते हो तो क्या होता है, इक्वल अमाउंट में वाटर होता है, ऊपर भी सेम अमाउंट में होगा और नीचे भी सेम अमाउंट में होगा, मींस बैलेंस हो जाता है। सिमिलरली ऑस्मोसिस प्लांट्स में यही काम करता है, बैलेंस बनाने का। ठीक है, ऑस्मोसिस का प्लांट्स के अंदर यही काम होता है कि वो बैलेंस को मेंटेन रखे। सो ये आपका था ऑस्मोसिस। आपने चारों मैकेनिज्म पढ़ लिए, कौन कौन से मटेरियल किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब हम एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं, हमने पढ़ा क्या है आज, हमने क्या पढ़ा, हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा है प्लांट्स में। अब किस चीज़ का हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा है, वाटर मिनरल का और आपके फूड का, अंडरस्टैंड। अब जो वाटर और मिनरल हैं वो जाइलम के थ्रू जाते हैं, और जाइलम का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन होता है। फूड किसकी हेल्प से जाता है, फ्लोएम की हेल्प से जाता है। अब आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, फ फ दोनों का साउंड एक जैसे आ रहा है, और यहाँ पर किस तरीके से जाता है, दोनों डायरेक्शन में, बोथ डायरेक्शन में फूड अपवर्ड भी जाता है और डाउनवर्ड भी जाता है। अब जाइलम में हमने दो मैकेनिज्म पढ़े थे, पहला हमारा था डिफ्यूजन जो कैसे वर्क करता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब दूसरा प्रोसेस हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसपीरेशन, इसके अंदर क्या होता है, इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है, अंडरस्टैंड।
अब इसमें भी दो मैकेनिज्म है. फर्स्ट मैकेनिज्म क्या है हमारा? ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस का काम क्या होता है? ये प्लांट्स के अंदर बैलेंस बना के रखता है. अब सेकेंड हमने पढ़ा था ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन का काम क्या होता है? ट्रांसलोकेशन क्या करता है? फूड मटेरियल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ट्रांसफर करता है या ट्रांसपोर्ट करता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन प्लांट. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग. टिल देन कीप रिवाइजिंग.